अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है बहुत दिन हो गए आप लोगों से कोई वीडियो शेयर नहीं की। एक्चुअली मैं बहुत एक स्पेशल चीज़ आप लोगों के लिए बना रही हूँ। अपने अब्बा की बरसी पर बहुत एक स्पेशल मेरी एक वीडियो बन रही है, जो कि इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आप लोगों से शेयर करूँगी। लेकिन एक चीज़ आप लोगों से जो शेयर करनी थी वो ये थी कि अभी आप मौसम देख रहे हैं, मौसम सरमा के अलावा सर्दियों में तो बाल गिरते ही हैं, ये तो हम सब जानते हैं, राइट। लेकिन एक और चीज़ भी है, मेरे बाल ट्रीटेड भी बहुत हैं, फिर एक साल में दो दफ़ा टाइफॉइड हुआ और कोविड डेल्टा होने की वजह से बाल बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ इनके साथ कुछ करूँ, लेकिन क्या ये एक राज है जिसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार। तो इससे पहले कि मैं आपको वो चेंज दिखाऊं, आप एक काम करें, ज़रा जाके सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए, यानी कि सरप्राइज़ ये खुल जाए आप लोगों के सामने, तो इसको जो है फिर शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। लेकिन तब तक के लिए करना पड़ेगा इंतज़ार। अभी हो गए हैं रात के 1:30 बज रहे हैं और मैं आपको अब सुबह में वीडियो कर बना कर दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ और मैं क्या करना जा रही हूँ। और फिर जब मैं कर लूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि वो करने के बाद क्या हो सकता है। तब तक ज़रा सोचें कि मैं क्या करने वाली हूँ। बाय। हो गई है सुबह, तो अब मैं हूँ रास्ते में और मैं जा रही हूँ कहाँ, आपको मैंने बताया था कि तमाम लुक्स वगैरह के लिए वाजिद खान साहब होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि मेरा क्या लुक होना चाहिए नए प्रोजेक्ट से पहले, और कुछ अपने लिए भी करना है। तो अब इन बालों का क्या होने वाला है। पहुंच चुकी हूँ, सुबह हो चुकी है, रात में आप लोगों से बात हुई थी, पहुंच चुकी हूँ जी ना वाजिद खान सैलून। और आजकल जो है, क्योंकि विंटर्स हैं तो वाजिद की तरफ काफी रश होता है, इसलिए मैं सवेरे सवेरे आ गई हूँ। गुड मॉर्निंग हीरो, सुबह बखैर। और आज आपको मिलेगा एक बिल्कुल नया लुक माना खान का। आप अभी बाल देख लें इनके, देख लें, और बस आप थोड़ी देर बाद ही आपको दिखेगा एक नया कट, साथ रहिएगा। यस, और देखते रहिए क्योंकि इस वक्त जो है तो चल रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। यस, ये देखें, ये मैं हमारी हीरो माशाल्लाह अल्लाह नजरे बद से बचाए। और अभी आप देखिएगा कि थोड़ी देर बाद मेरा लुक क्या होने वाला है। सबके जो मौज इतने अच्छे बाल, तुमने क्या किए, तो अच्छे बाल और भी अच्छे हो जाएंगे। ये रेडी 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 रेडी, दिस इज माय लुक वाजिद खान। आए ना जरा बताए ना आज का ये लुक है। Oh my God, बाल सारे गॉन, कहाँ चले गए। लोग कहेंगे बाल क्यों काट लिए, फिर क्यों काट लिए हमने। ट्रेंड के साथ आपको टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। राइट, सूट कर रहे हैं मुझ पर, बहुत कर रहे हैं। थैंक यू बाजी, थैंक यू बाजी। सो आई विल बी शेयरिंग माय न्यू वीडियोस इन दिस हेयर कट। लेकिन आप कुछ वीडियोस ऐसे भी देखेंगे जिसमें मेरे बाल लंबे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये तो था मेरा बालों का लुक। लुक जो फेस का है वो भी वाजिद ने ऐसा किया है, मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो दिस इज माय लुक नाउ एंड दिस इज माय न्यू फेस, न्यू मेकअप। नो, तो उसमें ये आ गया जनाब। अब ये है हमारी मेकअप, मैंने ऐसा रखना है, लिप्स ऐसे रखने हैं, आईब्रोज ऐसी रखनी है। तो ये मेरी अब की नई लुक है, देखते हैं कितने दिनों तक ये लुक चलती है। तो ये हम देखेंगे, और इसमें अब और क्या क्या वैरायटी आएगी, मैं इसकी साइड पे भी कर सकती हूँ, साइड पे भी कर सकती हूँ, सब मेरे भी लाइक दिस, बीच के भी करेंगे तो ऐसे लगेगा। तो कैसे लगे आप लोगों को जरूर बताइएगा। सो आई एम ऑल सेट फॉर माय फीडबैक, देखते हैं सबको कैसा लगता है, मैं आप लोगों को बताऊंगी वजह क्या है, डोंट वरी। अब मैं घर आ चुकी हूँ और सबको अब कुछ की शक्लें और कुछ की आवाजें, देखते हैं क्या रिएक्शन आता है। लेट्स गो। कैसा लग रहा है? देखो सूट कर रहे हैं बहुत, और माशाल्लाह से देखो, आईने के सामने आओ, आईने के सामने, आईने के सामने भी लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। है आसमा खुश हो गई, आसमा खुश हो गई भाई, आसमा ने पास कर दिए। अब देखते हैं किस किस को कैसे कैसे लगते हैं। अच्छे लग रहे हैं। वाले सलाम, कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं, हाँ शुक्र। बच्चियाँ बैठ गई, उनको नहीं पता।
कैसे लग रहे है ना? है ना? डिफरेंट लग रही हो आप, शॉक हो गई, नहीं बताया था किसी को. वाकई एंजॉय करके वाजिद ने काटा और कलर भी हुआ, फ्रेश हो गए. चलो भाई वजन भी पास कर दिया, आसमान भी पास कर दिया, वजन भी पास कर दिया. अभी बच्चों को नहीं पता, माशाल्लाह. और क्या, बढ़ जाते भाई. नाश्ता बजा के नाश्ता रुक गया. मैं जो खिड़की पे होंगी तो पता ही, किसी को भी नहीं पता मैंने ये किया है. बजा आप लोग आवाज सुन रहे हो बच्चों की, कैसे लग रहे? लग तो अच्छे रहे, लेकिन दिल चाहता था बहुत. नहीं मेरे अपने बाल है उमर, देखो ड्राई हो गए थे ना, बहुत डेड हो गए थे, बिल्कुल वो टूट रहे थे अब बीच बीच में से, तो उनको बैलेंस कर दिया, जो नीचे अंडरकट थे उनके बराबर हो गए. अब हेल्दी लग रहे, देखे अब हेल्दी लग रहे हो. नहीं नहीं कमजोर हो गए थे, बहुत कम हो गए. उमर कैसे लग रहे? बच्चे ने भी बात कर दी, उमर ने भी बात कर दी. वाह, कोई भी नहीं, मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ, अपनी शक्ल दिखा रही हूँ. आप लोगों की आवाज आ रही है, मेरी शक्ल आ रही है. अभी मेरी मामा ने नहीं देखा, अभी मेरी मामा को नहीं पता. मामा क्या, ये क्या किया? देखते देखते लंबे तो हेल्दी तो हूँ. बच्चों कह रही है बिगे क्या? मैंने कह रही बिग नहीं है. मैंने कहा आसमान आ चली जाए, अब मैं मामा के कमरे में जा रही हूँ दिखाने, देखती हूँ उनके क्या एक्सप्रेशन है. मामा मैं आपका छोटा काम क्या है? मैं ये आप दे दो. जैसे आप मेरे बचपन में काटती थी ऐसे कल के आ गया है ना? कैसे लग रहे? मैंने आपकी आपकी नहीं वीडियो बना रही, आप रिलैक्स रहे, मैं अपनी बना रही हूँ ताकि आप देख लें. ये देखिए मम्मा का हाथ, मम्मा का हाथ देखिए, मम्मा बाल कैसे लग रहे. हाँ मम्मा ड्राई हो रहे थे बाल, नीचे से बहुत खराब हो गए थे. अच्छा किया तो इसलिए हमने कहा एक लेंथ पे अब बढ़ेंगे हेल्दी हेल्दी. अच्छा किया आपको चेंज अच्छा लग रहा, सूट कर रहा है. बच्चों कह रही मम्मा डांटेंगी, मैंने कह रही डांटेंगी नहीं. बच्चों कह रही मम्मा डांटेंगी कि बाल क्यों कटाए, मैं कह नहीं डांटेंगी, नहीं डांटेंगी. देखा वाजिद, वाजिद ने काटे, कोई भी नहीं. मम्मा अपनी वीडियो बना रही, किसी से बात नहीं कर ली. मम्मी आपने कुछ खाया? अच्छा ठीक है, दवा दवा देती हूँ आपको. चलो जी मम्मा की दे दी, अल्लाह थैंक यू. भाई जी मेरे हाल भाई तो सो रहे हैं, उनको तो पता भी नहीं वो सो रहे. उनका आज ऑफ डे है तो आज उनको हम सोने देंगे. आसमान ने भी पास कर दिया, बज्जी ने भी पास कर दिया, मामा ने भी पास कर दिया, बज्जी ने भी पास कर दिया, उमर भतीजा जो है उसने भी पास कर दिए. अब जो है रह गई हैं शिम्मी जो कि गई हुई है, और क्या कौन रह गया, फैरी दी अका और इम्मू और ईसा और है ना, पास करते जाएंगे. अभी तो उनको पता भी नहीं है मैंने कैसे करवाए. कितने भी दोस्त रह गए, हसन हिना अम्बू है ना सुम्मी, कितने लोगों को नहीं पता. अभी सबको दिखाएंगे. सेकंड दोबारा आप शुरू करो. पानी जब उबलने लगे तो इलायची डाल देनी है, और इलायची थोड़ा सा जब पानी उबलने के करीब हो. अच्छा तो इलायची आपने अभी डाली है, सॉरी वो थोड़ा मैं लेट ऑन किया, शक्ल देख लो जरा. एक सेकंड दिखाएं. हाँ थोड़ा सा पानी अगर उबलने लगे तो उसमें इलायची खोल के पीस के या अच्छे तरीके से पीस के कूट के, मतलब अच्छा ठीक है. आपको खुशबू आ रही होगी? मुझे तो आ रही है, मुझे तो आ रही है. अच्छा इसमें पहले पत्ती नहीं डालनी उसके काबे की? नहीं नहीं पत्ती नहीं डालनी, ये देखिए पानी उबल रहा है ना अभी. हाँ. ये इलायची डाल दी. या ठीक है. या इलायची के बाद ये थोड़ा सा इसको बंद किया और उसके बाद कावा डाल दिया. कावा कितना कोई है इसकी क्या खासियत? क्या के मुताबिक कि अब तीन चार प्यालियां कावा है, यानी कप तो बड़े हो जाते हैं, छोटे कप जो है वो तीन चार कप होंगे. उसमें इतनी पत्ती हमने डाली. ओह ये तो ज्यादा नहीं है, तीन चार कप, ये तो दो दो कप का है पानी.
नहीं बस थोड़ी सी जा रही है, इतने ज्यादा। अच्छा चलो ठीक दादा जी, त्वत्ती मेरी है ये तुमने सारी दुनिया में बांटी है, ठीक है। और अब पानी उबलता हुआ इसको बस यूं कर देना है बस, फौरन दैट्स इट जी। अब थोड़ी देर छोड़ देना है। अच्छा वो जो हम पकाते हैं हमें आदत है पकाने की, नहीं नहीं बस छोड़ दिया। ओह अच्छा, पत्ती डालते ही छोड़ दिया ताकि हम टेबल पे बैठ के कुछ बातें भी करें। अब थोड़ी देर इसको उबलते हुए को उतार, जैसे आपने डाला हाथ से आपने फौरन उतार लिया जी हाँ। और उसको आपने अच्छा ये जो पत्ती है उमर, ये पेशावर की खास है कोई? पेशावर की पत्ती है खास तो नहीं है, लेकिन मतलब वहाँ ये आमतौर पर यूज होती है। आजकल स्टिक्स वाली पलंडू कहा जाता है और एक को एक और पत्ती कहा जाता है, मुझसे नहीं पी जाती कहा जाता है, लेमन ग्रास वगैरह तो वो यूज होती है। लेकिन पेशावर में आमतौर पर जो पेशावरी कहवा है जो कि पुराना अंदाज है पेशावर में, जो आप आएंगे इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, चाय और कहवे वगैरह का अंदाज वही पुराना है, का छोटी छोटी चैनकों में ही बनता है। अच्छा वो बंदा जो है वो रस्सी से यूं पकड़ के बना रहा होता है। रस्सी से पुराने मर्तबान होते हैं, तो उसी स्टाइल में अभी तक चाय वालों की दुकान। कितनी देर तक? 2 मिनट तक रखना है? बस कुछ देर तक, फिर अभी आप निकाल दम करने के बाद इसको निकाला जाएगा। तो इसकी रंग दिखाओ, रंग है इसकी खुशबू नजर आएगा रंग। ओए होए 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 होए, चेक करें आप, हसीन रंग है हसीन। अच्छा चूंकि मेरे लिए एक बन चुकी थी, उमर ने बना दी थी, तो वो तो मैं पी चुकी हूँ। आई थिंक दिस इज फॉर भजिया और तुम्हारे लिए ना जी। चलो भजिया की भिजवा दो, फिर हम अंदर इधर बैठ के बातें करते हैं। आ जाओ। मुझे कितने से पहले तुमने दिया था ये कावा? तो मैंने जो पिया था कितने से याद है? 8-9 साल पहले, 7-8 साल पीछे, 5-6 साल तब दिया था, तब दिया था। तो मेरा ख्याल है 5-6 साल हो गया। 5-6 साल में मैं यही कावा पीती हूँ, जो कि ख़त्म हो जाता है तो मैं मंगवाती हूँ, कि मुझे इसका टेस्ट ना मेरे हलक पे लगता है ना मेरे मतलब सर पे लगता है, तो मुझे बहुत माइल्ड लगता है। क्या वजह है इसकी? वजह तो आप बताएंगे, क्योंकि हम वहाँ यही पीते हैं तो आप। अच्छा आप तो पीते ही हैं? पीते यही हैं। अच्छा आप भी पीते हैं? आपकी हैबिट है? बिल्कुल हैबिट है। असल में पेशावर आप जाए ना तो वहाँ कावा आम तौर पर पिया जाता है, 2-3 घंटों बाद कावा मंगवाते हैं और पीते हैं। यही है नाश्ते के बाद हम जैसे ही कॉलेज पहुँचते हैं, ये दुकानदार है तो वो जैसे ही दुकान पहुँचता है दुकान खोलते ही कावे का ऑर्डर दे देता है, कावा आ जाता है। और इसी तरीके से फिर 1-2 घंटे बाद फिर खाने के बाद जरूरी है से नींद भी उड़ जाती है। ये नींद उड़ती है? लोग तो यूजुअली खाना इसलिए पीते ग्रीन टी बिकॉज़ उनको खांसना भी करता है। हाँ। लेकिन नींद ऐसा कि आप अगर स्टडी कर रही हैं और आप चाह रही हैं कि फोकस हो जाता है, हाँ। ये बात भी है, लेकिन मतलब आमतौर पर लोग कहते हैं कि हम जब स्टडी करते करते कावे की चैनक हमने रखी होती है वो पीते रहते हैं तो हम सारी रात फ्रेश होते हैं। अच्छा चैनक का भी वादा किया है मुझे तुमने ना? हाँ इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि कह रहे हैं उसको बना के आप रखिए ना फिर। अच्छा उसको बना के रख सकते हैं हम, बनता रहे उसको ढका रहे, मतलब ढका रहे और जितना पुराना होता है उतना ये तेज हो जाता है। तो बाज लोग कहते हैं हमें आखिरी प्याली चाहिए चूंकि हमें तेज कावा चाहिए। इसके अलावा वेट लूज करने के लिए ये कावा बहुत जबरदस्त है। really? आप इसको फीका पिए ना, फीका हाँ बिल्कुल फीका, चीनी नहीं, जो बिल्कुल फीका पीते हैं और रेगुलरली पिए 3-4 कप्स एक टाइम में, हाँ। तो उनका वेट बहुत लूज हो जाता है। तो जिस तरह मैं वेट लूज कर रही थी, आप बताइएगा, बात पूरी करिएगा, इस तरह मैं वेट लूज कर रही थी उसके पीछे मैं यही कावा पी रही थी। अच्छा। मैं डाइट भी कर रही थी, मैं कावा भी पी रही थी, चाय बस मैं एक दिन में दफा की। मैं कोशिश करूंगी आगे मी फर्स्ट के साथ साथ मैं ये कावा भी आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा सकूँ, क्योंकि खास मैं बनवाती हूँ उमर से, पेशावर से। आप भी जानने वाले हो पेशावर में, तो आप वहाँ से और आप पेशावर में खुद हो, जो मेरे बहुत सारे पेशेंट्स मेरे क्लाइंट्स बहुत हैं वहाँ पर। लेकिन अगर आप कहीं और हैं और आपको एक कावा चाहिए तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाए मी फर्स्ट पे। और यस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। हाँ जी क्या हुआ है? रेडी? यस रेडी। लॉस्ट एंड फाउंड में मोहम्मद की बड़ी बहन पाकिस्तान में रह गई है। अब हमको लानी यहाँ लानी पड़ेगी। जबरदस्त माशाल्लाह। अब मेरे ख्याल से सिडनी में ओपरा हाउस में हमको फैशन शो करवाना पड़ेगा। नाजरीन हाजरीन ओह माय गॉड, ऐसे ऐसे करके किचिया भी होती है वो फैशन शो में।
अब सही, अब तीन दिन तक हमारे घर में खाना नहीं पकेगा, हमको भी दुबला होना है। इम्तियाज सुन लिया हमने? बिल्कुल। ये देखे ये ऐसे माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त। तो भाई अभी तक तो सबका अच्छा फीडबैक आ रहा है और मज़ेदार बात यह है कि मैंने जिस जिस को दिखाया सब लोग यूं थे, डॉक्टर मिराहिल हो, सुमी हो, कुरत हो, जिस जिस को भी फैमिली में दिखाया, कुछ वीडियो, एक आध वीडियो है जो आपने देख भी लिए ऑस्ट्रेलिया वाली, तो बहुत अच्छा दिन रहा। मैंने बहुत आई थिंक एक अच्छा डिसीजन लिया, नॉट बिकॉज कि सबको सरप्राइज देना था, वो इसलिए भी नहीं, बट इसलिए भी कि बाल जब एक टाइम में आके वो बताते हैं कि जी हमारे स्प्लिट्स हो रहे हैं या हम डेड हो रहे हैं, तो उनको उस वक्त काटना चाहिए क्योंकि वो बकिया बाल जो है आपके ऊपर के बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। आई एम श्योर अब तो सबको अवेयरनेस है, इतनी माशाल्लाह यूट्यूब सोशल मीडिया पर सब इतना जानने लगे हैं कि सब लोगों को एक्सपर्ट से ज़्यादा कभी कभी तो पता होता है। तो बिकॉज बालों का जो मेरा तो अंडर कट भी था ना एक, आप लोगों ने शायद देखा होगा, जो पूरा यहाँ से कटवा लिए थे गर्मी में, तो वो जो बाल जो नीचे के थे ना वो डेड हो गए थे, तो हमने सारे बालों को बैलेंस करने का इरादा किया और जितने का मैं फिर सब स्ट्रेट जो है वो एक लुक दे दूंगा। थोड़ी देर में हम खाने पे जाएंगे क्योंकि बहुत भूख लग रही है और मुझे ऑस्ट्रेलिया से मेरी नीस, उसके हस्बैंड और उनका बेबी जो हमारा बेबी है मोहम्मद, उसने मुझे कुछ भेजा है। सो लेट मी ओपन इट फॉर यू। मैंने अभी तक खोला भी नहीं। अल्लो ये तो देख ले, में सेंटा क्लॉज हूँ और भी है कुछ। अल्लो जो जो दीदी किनो पोलो ये जानू देखें आप मेरे गिफ्ट आए हैं ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। इसका टैग टैग निकाल दो, टैग वो कैसे पता मेरे इस तरह के बाल होने वाले। तो ये मैंने थैंक यू बेबी, आई लव यू सो मच। मुझे इसके साथ तो मुझे ये निकालना पड़ेगा, बाद में काटूं। ओह जीजी जो प्रीटी, जीजी जो प्रीटी, जीजी जो प्रीटी, आप लोगों में पागल तो नहीं लगे? क्यूट लग रही है ना भाई। मेरे चौथे ची बेबी ने भेजा है मुझको ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सो हियर इट इज, इसको हटा दूं, स्क्रीन पर आ रहा है। और ये जीजी, थैंक यू सो मच, आई एम सो 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 हैप्पी, सो लकी टू हैव सो मच लव, सो मच लव। थोड़े हम सैड भी हैं, हमारा नेव्यू इज़ गोइंग बैक टू पेशावर एंड उसके आने की वजह से ज़रा रौनक हुई हुई थी। मम्मा बहुत सैड हैं, हम सब बहुत सैड हैं। उसका कहवा भी आप लोगों ने देखा, तो आई एम श्योर वो कहवा आप लोगों को जो जिन्होंने ट्राई किया हुआ उनको पता होगा कि कितना अच्छा है भाई। और मैं उसके साथ एक खुदाफिस भी आप लोगों के साथ एक कर लेती हूँ। रुके उमर, 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 हाँ आजो जरा, आजो, सब जा रहे हो तो इसलिए कह रही हूँ, बैठ जाओ तो सबको बता दो। मैंने कहा भी हमने आपने कैबा भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, हमारी छोटी छोटी एक्टिविटीज भी देख ली। बर्थडे, बर्थडे की वीडियो पे भी बात लगेगी, बर्थडे की वीडियो पे भी लगी नहीं क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं हुई इसी तरह, लेकिन हम सब साथ थे, ये है कि हम सब साथ थे। कैसा रहा कराची का वैसे? बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे जो अच्छा रहा वो यही रहा कि अपनों से मुलाकात हो गई और हमारी फैमिली में जो मोहब्बत है, जो दादी माँ और सारी फैमिली माशाल्लाह इतनी मोहब्बत करती है, दादी माँ मेरी अम्मा, इसकी दादी अम्मा, तो उस वजह से बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। आपको कहवा कैसा लगा? मैं बता दूं दुनिया को, बता दूं सच? नहीं मैं सच, अब तुमने खुद ही छेड़ा है, मैं वाहिद इंसान हूँ जो इसको कुछ मंगाओ ना मंगाओ, मैं कहवा जरूर मंगवा चुटला दे सब के, सब लोगों के सामने। बिल्कुल, मैं कहती हूँ उमर मैं एक ही कहवा पीती हूँ और वो है पेशावर वाला खालिस, ठीक है? मेरे को खास मेहमान आता है उनको भी मैं वो वाला कहवा पहनाती हूँ। इस इंसान एक तो आया मेरा कहवा लेकर आया,
मेरा कावा मुझ तक नहीं पहुंचा, पूरा खानदान आ गया, पूरा खानदान को बना बना के पिलाए डाला। और उसके बाद जब कहा आपका है, मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता कि सबको पिलाया जा रहा है और स्टॉक होगा। इसकी वजह ये है। हाँ जी भाई जी, खाना निकाले, बच्चों कह रही है बच्चों आप आ जाए, खाना भी खाते हैं। और इस इंसान ने मेरा सारा कावा खत्म कर दिया है। अब ये जा रहा है, अभी पिशावर से भेजेगा मुझे नया स्टॉक। नहीं नहीं इंशाल्लाह है थोड़ा सा कावा है, जो दो तीन महीने चल जाएगा। और मैंने वो इसलिए रखा हुआ है कि और किसी के हक पे तो डाका मारना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, और इनका जो है वो ले भी लूं तो उधर से भिजवा भी दूं तो मुझे यकीन है ये खफा नहीं होगा। हाँ, अभी सबको बता रहा हूं, ऐसा ही है कि कोई एक आज जिस तरह आज मक्सी साहब की तरफ जाना हुआ या किसी और की तरफ, एंड तक जिनसे मुलाकातें होंगी उनको दूंगा, लेकिन आपके लिए भी है माशाल्लाह। सिर्फ परवीन आकर में ना चूरन की तरह देना मुझे, ये ले ले थोड़ा सा मुंह में डालने और सेहत के लिए अच्छा होगा, ऊपर से गर्म पानी में। अगर तूने मेरा कावा नहीं भिजवाया ना पेशावर से, तूने मेरा कावा इंशाल्लाह पहले भी भिजवाया और अभी फिर भी भिजवाऊंगा। और क्या करें, फूफो ऐसी होती हैं यार, लेकिन अच्छी वाली फूफो हूँ मैं, वो वाली फूफो नहीं हूँ, वो वाली फूफो नहीं, तुम्हें बहुत मिस करेंगे। और जल्दी आना, खैर से अल्लाह ताला खुशियों के साथ मिलाए। और अपनी माशाल्लाह इतनी दीन की खिदमत कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं अल्लाह ताला, और घर वालों की कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात। हमारे बहुत ही प्यारे भाई की बहुत ही प्यारी औलाद, सबको घर में सलाम किया ना, और जल्दी आना ठीक है। अभी फैमिली समेत आऊंगे। हाँ हाँ सब, अभी तो हम कावे की दिखाई है ना, फिर हम कुछ और भी खाएंगे पेशावरी फ्रावी की। हाँ। के लिए तो यही, और इसमें आपने बहुत कुछ देख लिया, आपने हेयर कट भी देख लिया, कावा भी देख लिया, कुछ झलकियां भी देख लिया हमारी इसकी, तो इट वॉज अ मिक्स प्लेट। लेकिन हाँ, जाने से पहले प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। इसके अलावा ये है कि मैं एक बहुत स्पेशल एपिसोड बना रही हूँ अपने अब्बा की बरसी पे, जिनकी फातिहा भी मेरे भतीजे ने दी माशाल्लाह से, अल्लाह ताला उनको आसानियाँ फरमाए, तमाम मरहूमीन को हमारे उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए, और उनके लिए तमाम मामलात में आसानी हो। सब ने सबके साथ एक एक वाकया जो है, सरदार भाईजान जो इनके अब्बा थे उनका तो इंतकाल हो गया, वो भी होते तो उनका भी कोई ना कोई यादगार बाबा के साथ लम्हा होता, वो हमें स्पेशल एपिसोड बना रहे हैं आप सिर्फ आप लोगों से शेयर करने के लिए कि बाबा की बरसी जब होती है हर साल तो हम किस तरह उनको याद करते हैं, तो आप लोगों के लिए बना रहे हैं। तो इस एपिसोड को भी देखिएगा और आगे आने वाले एपिसोड को भी देखिएगा।